तो भगवान श्री राम जब प्रकट हुए तो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन चारों का ना अलग अलग पालना था, इन चारों को अलग अलग पालना था। ना चारों रो रहे हैं और चीख चीख करके रो रहे हैं, राम भी रो रहे हैं, लक्ष्मण भी रो रहे हैं, भरत और शत्रुघ्न चारों के चारों रो रहे हैं। तो सबने कहा हो क्या क्या है इन चारों बच्चों को, खूब कर लिया, अले मेरा बच्चा, अले सोना, अरे राम, अरे लक्ष्मण, सब अरे नहीं तो रोए जाए रोए जाए। तो वशिष्ठ मुनि को बुलाया गया, वशिष्ठ मुनि आप कुछ करिए, बच्चे रोए जा रहे हैं रोए जा रहे हैं। तो वशिष्ठ मुनि ने क्या किया कि जो क्रैडल ऐसे पड़े थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ऐसे पड़े हुए थे, तो लक्ष्मण जी का क्रैडल लेकर के राम जी के बगल में रख दिया और जो भरत जी का था वो शत्रुघ्न के बगल में रख दिया। अब चारों ने चीखना जो है वो बंद कर दिया, लेकिन रो अभी भी रहे थे, पहले चीख रहे थे अभी रो रहे थे। अरे रो तो अभी भी रहे, लेकिन चीख नहीं रहे लेकिन रो तो अभी भी रहे। तो फिर वशिष्ठ मुनि ने क्या किया, इवन लक्ष्मण जी के क्रैडल से उठा करके लक्ष्मण जी को राम जी के क्रैडल में ला दिया। तो एक ही क्रैडल में दोनों बच्चे आ गए, अब थोड़े कंजस्टेड थे लेकिन अब बहुत खुश हो गए, अब खुश हो गए वो। और शत्रुघ्न जी को जब उनके क्रैडल में ला दिया ये भी खुश हो गए, अब चारों बच्चे जो है बहुत, अब दो क्रैडल खाली पड़े हुए हैं, बाकी दो में कंजस्टेड है ये, लेकिन राम लक्ष्मण अब साथ साथ हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब इसके बाद से ये हो गया था कि राम जी के साथ हमेशा लक्ष्मण रहेंगे, भरत के साथ हमेशा शत्रुघ्न रहेंगे। अब इसके बाद सबको ना ये हो गया था, कहते भाई ये जोड़ी अलग नहीं करनी, नहीं तो फिर ये रोना धोना इनका शुरू हो जाएगा। ऐसा ऐसे एक समय ये खेल खेल रहे थे आपस में, खेल का खेल रहे थे, सारे के सारे मिट्टी के गोले बनाते थे और एक दूसरे को मार रहे थे, सब के सब कीचड़ कीचड़ हो रखे थे, राम जी भी कीचड़ में, लक्ष्मण जी भी कीचड़ में, भरत और शत्रुघ्न चारों के चारों कीचड़ 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 हो रखे थे। तो कौशल्या मैया ने, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया ने देखा, कहते ये लोग ये बच्चे घर क्या आ रहे हैं आज, कोई पहचान में नहीं आ रहा, चारों के चारों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। तो जैसे ये पहुंची उनके पास कि तुमको कीचड़ में नहीं खेलना चाहिए, इन्होंने कीचड़ के इन्होंने गोले बनाए, माताओं के ऊपर फेंके, माताएं भी पूरे कीचड़ में लबालब हो गई, अब माताएं भी कीचड़ में है, ये भी कीचड़ में, अब साथ, अब चारों भाई, तीनों माताएं आपस में एक दूसरे ऊपर कीचड़ डाल रहे हैं और आनंद दे रहे हैं। तभी जो है वहां दूर से मंथरा आई और मंथरा देख रही थी, ये क्या है, ये राजघराने के राजकुमार हैं, ये राजघराने की महारानी है, ये वो भी चिमखड़ों के देख रही थी वो भी। तभी श्री राम ने क्या किया, वहां एक गोला बनाया मिट्टी का और मिट्टी का गोला बना करके तीर के आगे रखा और तीर आगे लगा कर मार दिया, वो सीधे गोला लगा, ये भी पूरी भीग गई। तो बाकी समझ रहे थे हा, 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 देखो मंथरा के साथ क्या हो गया, मंथरा तुक्कू मंथरा हो गई, सब हंस रहे थे, लेकिन मंथरा बड़ी गंभीर बनी हुई थी। तो फिर क्या कहने देख ले भाई, तो कुछ ज्यादा बुरा मान गया, कहता भाई नहीं आप लोग थोड़ा मजा करो, मैं इसको थोड़ा शांत करके आती हूँ, थोड़ा बुरा मान गया लगता है, तो उसको शांत करने। उस दिन से मंथरा जब वैसे ही राम को देख करके अनकंफर्टेबल थी, उसके बाद तो सोचते कि एक दिन मैं कुछ करूंगी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ना मजाक के लायक ही नहीं होते, ये लोग, इन लोगों की औकात ही नहीं होती मजाक को झेलने की, मजाक कर दो इनकी आत्मा सब तड़प जाती है। तो इसीलिए कुछ लोगों में सेंस ऑफ ह्यूमर जिनका नहीं होता ना, ये लोग जीवन भर तड़पते ही रहते हैं, जिनके साथ मजाक भी किसने किया है, श्री राम ने किया है। अरे कितना सौभाग्य होगा उस व्यक्ति का जिसके साथ मजाक कौन कर रहा है, श्री राम कर रहे हैं, पर लल्लू लाल घोचू लाल लल्लू एकदम मतलब दुखी हो गई, नाक फुला रही है अपने गुस्से के अंदर कि मेरे को कीचड़ कीचड़ कर दिया। सो शी वेटेड फॉर 20 ईयर्स, इस वक्त श्री राम 5 साल के थे, 20 ईयर्स की एक दिन मैं इसका बदला लूंगी, मुझे कीचड़ में भिगोया मैं बदला लूंगी इसका। तो ये कॉम्प्लेक्स नेचर है मटेरियलिस्टिक माइंड का, कि कोई अगर हास्य परिहास भी कर दे तो भी जो है बेचैन आत्मा की तरह तड़पते रहते हैं और याद रखते हैं उसको, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा। एनीवे, सो दिस वाज द ब्यूटीफुल पास्टाइम ऑफ मड बेदिंग, सबने जो है अच्छे से स्नान किया इसके अंदर। एक समय तो श्री राम जो है कुछ अयोध्या में और कोई बच्चे भी थे उनके साथ भी खेलने के लिए पहुंच गए और सबके साथ आंख मिचोली खेल रहे थे, आंख में पट्टी बांध करके आंख मिचोली खेल रहे थे। राम जी ने कहा मेरे को भी खेलना है आंख मिचोली, तो ने कहा नहीं नहीं आपको नहीं खिलाएंगे। कहते क्यों, जब सब खेल सकते हैं तो मुझको भी तो आंख मिचोली खेलने का अधिकार है। कहते नहीं, आपकी आंखें हैं सूर्य और चंद्रमा, इन पे पट्टी बांधो या ना बांधो सब दिखता है, इसलिए आंख मिचोली आपके साथ नहीं खेली जा सकती, इसलिए हम आपको आंख मिचोली में नहीं लगाएंगे। दैट वे श्री राम जी फिर वापस जाके कहते चलो भाइयों के साथ ही खेलता हूँ मैं, लाइक दैट। एक समय फाइनली जब ये थोड़े बड़े हो रहे थे, अब ये जवान हो रहे थे, तो फिर दशरथ महाराज को फिर सजेस्ट किया गया कि अब आप इन बच्चों को गुरुकुल भेजिए,
अब गुरुकुल भेजने की बात आई, तो गुरुकुल भेजने की बात से ही दशरथ महाराज का दारे नहीं, मैं गुरुकुल भेज दूंगा, ये तो मेरे प्राण है, मेरे धन, मेरा सब कुछ है, मैं चारों बच्चों को भला गुरुकुल कैसे भेज दूं। लेकिन फिर सबने कन्विंस किया कि अगर बच्चों की पढ़ाई लिखाई करानी है, शिक्षा दिलानी है उनको, तो चाहे मार्शल साइंसेज हों या फिर बाकी एकेडमिक साइंसेज हों, उनके लिए उनको भेजना तो पड़ेगा ना। तो हृदय पे पत्थर रख करके दशरथ महाराज ने इस बात को स्वीकार किया, चलो ले चलते हैं फिर इनको गुरुकुल। गुरुकुल लेकर के आए इनको। अब ये चारों भाई खड़े हुए हैं, वशिष्ठ मुनि यहाँ पर हैं। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि अब आप जाइए, जाइए। अरे कम से कम देख तो लो मेरे बच्चे धनुष कैसे उठाते हैं, क्योंकि ना क्षत्रिय का जो बच्चा होगा ना वो धनुष हमेशा लेफ्ट हैंड से उठाएगा। तो क्षत्रिय को लगता आ इसकी रगों में मेरा खून है। लेकिन अगर बच्चा राइट हैंड से उठा देना, कहते हैं चिलगोजा, जैसे माता पिता होते बच्चे करताल उठा लेते हैं, भगत है जी, भगत है, हमारा छोरा भगत है। तो माता पिता बड़े खुश हो जाते हैं, बच्चा अगर ऐसे कर देगा ना, बस अगर सर में मार ले तार तार, तो कहेंगे ये भाई ये राक्षसी है, ये और कुछ नहीं है ना। लेकिन बच्चा अगर ये ऐसे ऐसे कर देता तो फिर माता पिता को बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसी ना दशरथ जी की बड़ी इच्छा थी, मैं देखूं मेरे बच्चे कैसे उठाते धनुष। तो उन्होंने कहा देखिए वशिष्ठ मुनि, आप जाने के लिए मत बोलिए, देखिए ये हर पिता का अधिकार होता है कि अपने बच्चे को देखे कि वो गुरुकुल में किस तरह से अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो देखने दीजिए मुझको। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, लेकिन वो सारे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन आपके बच्चे जो है यज्ञ पुरुष से प्रकट हुए हैं, तो इसलिए खीर खा के कोई अपने बच्चे थोड़ी पैदा करता है। तो आपके बच्चे क्योंकि खीर से आए हैं ना, तो इसलिए अलग हैं, तो इसलिए आप नहीं देख सकते। अरे ओहो, अब गुरु हैं, अब उनसे क्या आर्गुमेंट करें। तो फिर चल दिए, कहते ठीक है बच्चों अच्छा करना गुरुकुल में। हाँ ये क्या क्या, अब चले गए, चलते 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 जब तक वो ओझल नहीं हो गए, तब तक जो है वशिष्ठ मुनि उनको देखते ही रहे। जब वो ओझल हो गए तब जो है उन्होंने क्या किया, परिक्रमा की चारों भाइयों की, चारों भाइयों की परिक्रमा करके उनको साष्टांग दंडवत किया वशिष्ठ मुनि ने। कहता प्रभु आप तो परम भगवान हैं, मैं भला आपको क्या शिक्षा दूंगा, जो शिक्षा मेरे अंदर है वो भी तो आप ही से ही है। पर जैसे जो लोग गंगा से जल लेते हैं, गंगा में अर्पित कर देते हैं गंगा की सेवा के तौर पे, उस तरह से आपका लिया हुआ ज्ञान मैं आप ही को दे रहा हूँ आपकी सेवा के तौर पे, मैं भला आपको क्या ज्ञान दूंगा हे प्रभु। तो परिक्रमा करके साष्टांग दंडवत किया और फिर उनके साथ गुरुकुल में बच्चों ने रहना शुरू कर दिया चारों भाइयों ने। आप चारों भाई थे तो एक समय क्या हुआ, राम और लक्ष्मण दोनों साथ साथ थे, तो पास में ना एक औरत जा रही थी। तो राम ने बोला लक्ष्मण को, ए लक्ष्मण उसकी नाक में जो नथनी है ना, उस नथनी के छेद में से तो तीर निकाल सकता है क्या? और तीर निकाल लेगी ना और ना नथनी को छोटा भी कर दे। कहते हैं क्यों नहीं भाई, तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ। लक्ष्मण तीर निकाला, तीर मारा, उसकी नथनी में से गया तीर उसको बिना छुए हुए, और नथनी इतनी टाइट हो गई तो चिल्ला दी हुआ। तो चिल्लाए वो तो बचाए दर से करा रही। कहता है तो कहता है अरे भाई लगता है नथनी बहुत ज्यादा टाइट हो गई। कहते कोई बात नहीं, मैं अभी टाइट हुई था नथनी में से तीर निकाल देता हूं तो नथनी नॉर्मल हो जाएगी। तो श्री राम ने क्या किया, तुरंत तीर निकाला और तीर जो है छोड़ा, तो उस टाइट हुई नथनी की उसमें से निकला बिना नाक को छुए हुए और नथनी को वैसे उसी साइज में कर दिया। उसने कहा ये भाई नथनी टाइट और खुली कैसे? तो राम और लक्ष्मण ही थे और कोई था नहीं आसपास। कहते हैं छोरो तुम लोगों ने क्या कहिए? कहते हैं हाँ हमने किया। कहते तुम लोग कैसे कर सकते हो? कहते क्यों सबूत दे मार गया? तो सबूत क्या दे दिया, लक्ष्मण इस बार तीर छोड़ा नथनी खुल गई और हवा में चली गई। कहते ले वो नथनी हवा में घूम रही है। तो राम ने कहा नथनी चाहिए? कहते हाँ नथनी चाहिए। कहते ले नथनी, फिर तीर मारा, वो तीर ने नथनी डाल दी। कहते और देखने, कहते नहीं ना बस अरे भाई और क्या कि वहां चली गई। तो ये इस प्रकार, वैसे राम जी वैसे बड़े गंभीर रहे हैं थ्रू आउट लाइफ, लेकिन बचपन में ऐसे कभी कभी शरारतें क्या करते। तो इस प्रकार से गुरुकुल में दे हैड गुड टाइम या। तो हाल की बहुत सारी बाल लीलाएं नहीं है श्री राम की, कुछ बाल लीलाएं हैं इस तरह से, वेरी वेरी फ्यू। जैसे हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की
चैप्टर्स आफ्टर चैप्टर्स हैं उनके बाल लीलाओं के, लेकिन श्री राम की बाल लीलाओं के इतने चैप्टर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि आचार्य बताते हैं कि जो श्री राम है वो है अनुष्ठान प्रधान। अनुष्ठान प्रधान का मतलब होता है वो दुनिया को अपने बिहेवियर से इंस्ट्रक्शंस देने के लिए आए हैं, तो आदर्श व्यवहार के द्वारा दुनिया में शिक्षा को स्थापित करने के लिए आए हैं। तो इसीलिए उनकी बाल लीला, बाल लीलाओं में ज्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं होती इसीलिए। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण है वो है अनुभव प्रधान, यानी कि भक्तों के अंदर भक्ति का जो स्वीटनेस का अनुभव खुद अपने व्यवहार से देने के लिए आए। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में कई सारे चैप्टर्स आते हैं, लेकिन भगवान श्री राम की जो बाल लीलाएं हैं वाल्मीकि रामायण में से 10 श्लोक ही हैं। मैंने और बाकी जगह से भी लिया, कंबर रामायण से भी लिया, जिसमें ये बाल लीलाएं थोड़ी बहुत इकट्ठी हुई, अदरवाइज भगवान श्री राम की बहुत सारी बाल लीलाएं नहीं।